तो जिनके कमर के आसपास और थाई मसल पे अधिक चर्बी चल गई हो, वो अपने भोजन का एक समय केवल फल खाने चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और आगे भी आपको नए नए हेल्थ टिप्स संप्रेषित करता रहूं और किसी और को आप शेयर भी कर सके, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, ईमेल पे आता है, मैं उसका जवाब भी देता हूं। तो मैं अब आपको वर्कआउट सिखाने जा रहा हूं। आप इसमें से मैं जितना सिखाऊंगा, यदि 50% भी कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजीत आनंद, आरोग्य कुंड नेचुरोपैथी योग सेंटर बालूगढ़ से। आज मैं आपको थाई मसल और कमर को कैसे शेप में करते हैं, या इसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, मस्कुलर सिस्टम आपके कैसे मजबूत रहेंगे, और जिनके खास करके कमर और थाई जगह मोटी हो गई है उसको आप कैसे ठीक रखने हैं, इसके लिए 3-4 टिप्स। देखो, किसी पेड़ के पत्ते यदि बीमार हो रहे हैं तो पानी जड़ने ही या जो औषधि है जड़ में डालनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि किसी के थाई मसल बढ़ रहे हैं, कमर पे फैट चढ़ रहा है या कई और समस्या हो रही है, तो उपचार तो आपको पहला आहार से शुरू करना होता है। यदि आहार ठीक नहीं होगा तो चाहे लाख दवाइयां कर लो, उपचार हो नहीं सकता। तो आहार में क्या करना है थाई मसल ठीक रखने के लिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट है वो लेस डाइट होनी चाहिए। अब फैट कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं है, तो फ्रूट में नहीं है, सब्जी सलाद में नहीं है, अंकुरित आहार में नहीं है, कुछ ड्राई फ्रूट है उसमें नहीं है, यदि ड्राई फ्रूट भिगो के लिया जाए तो। जिनके कमर के आसपास और थाई मसल पे अधिक चर्बी चल गई हो, वो अपने भोजन का एक समय केवल फल खाने चाहिए या खाएं। अब फल कितना खाना चाहिए उसका एक पैमाना मोटा मोटी ये है कि यदि 80 किलो का आदमी है तो 800 ग्राम फल तो खाने चाहिए, अधिक को जितना खा ले। ये एक वैज्ञानिक फॉर्मूला बनाया गया है। अधिक यदि 2 किलो खा सकता है तो और अच्छा है। दूसरे टाइम के भोजन में जब भी रोटी चावल खाते हो, तो जब सब्जी पकाते हैं तो उसमें तेल न डालें, बिना तेल वाली सब्जी खाएं, बहुत अच्छी बनती है, आप करके देखो। और यदि डालना ही पड़ा तो पहले नहीं डालना है, सब्जी पकाने के बाद 1 चम्मच तेल उसमें, वो भी नेचुरल तेल, ये रिफाइंड तेल या कोई फ्राइड तेल नहीं डालना चाहिए, सिंपल तेल, सरसों का, अलसी का, तिल का, मूंगफली का, नारियल का, या 1 चम्मच घी खाना चाहते हैं तो ऊपर से डालना। पहले पकाने से उसके जो कंटेंट्स हैं, जो उसके प्रोटीन कंटेंट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, सब खराब हो जाते हैं। तो 2 चीजें समझ गए। इसी प्रकार जब लंच या डिनर करते हैं तो कम से कम 400-500 ग्राम सलाद जरूर खाएंगे। सलाद से फाइबर रहता है, मिनरल्स रहता है, मल्टी विटामिन रहते हैं, आंतों को सुचारू रखता है। आंतों में जमा हुआ मल या बिखार वो साफ सुथरा करता रहता है, आगे पाचन में दिक्कत नहीं होती और फैट डिपॉजिट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि 2 भोजन में गैप करें। यदि एक बार आपने पेट भर खाना खा लिया तो 6-8 घंटे का गैप करना अच्छा रहता है, ताकि पूरा भूख लगे फिर से पूरा पाचन। अगर 3-4 घंटे हुआ और फिर से भोजन डाल दिया तो पहला ही पचा नहीं, ऊपर से नया भोजन डालो तो सड़ेगा और सर के फैट डिपॉजिट्स होंगे, गैस बनेगा, तमाम स्टिफ हो जाएंगे आपके कमर या पेट, छाती और कोई दूसरा उपद्रव या दूसरा रोग शुरू हो सकता है। इस तरह शाम का भोजन, शाम के भोजन में जिनका थाई मसल और कमर बना हुआ है, शाम के भोजन में किसी प्रकार का अन्न और दूध वाली चीजें नहीं हो तो अच्छा। अब हो क्या, सब्जी हो, सलाद हो, या पहले थोड़ा फ्रूट हो जाए फिर सब्जी सलाद हो जाए, तो स्प्राउटेड चीजें हो सकती है, चना मूंग अंकुरित करके, कच्चा मटर, कच्चा चना ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न लिया जा सकता है, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लिया जा सकता है। इस जगह में पार्टिकुलर एक लोगों को क्या बताऊं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक से अधिक रोग होते हैं। जब मैं डाइट प्लान करता हूं तो मुझे सबका आकलन ध्यान रखना पड़ता है, एक व्यक्ति एक चीज देनी है और दूसरे में नुकसान करे तो भी नहीं देना है, लेकिन मैं कॉमन बातें कर रहा हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और आगे भी आपको नए नए हेल्थ टिप्स संप्रेषित करता रहूं और किसी और को आप शेयर भी कर सके,
कमेंट भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, ईमेल पे आता है, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। इसी प्रकार आने वाले समय में हेल्थ एक चुनौती बनती जा रही है, लोग बेदौर होते जा रहे हैं क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है ना वो कलयुग में प्रवेश कर रहा है। कलयुग मतलब कल कारखाना हो गया, जब कल पुर्जों से काम हो गया, यांत्रिक युग हो गए, इसमें फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं होता, हर चीज टेक्नोलॉजी से, मशीन से या साइंस से, मैनेजमेंट से हो रहा है, तो इसमें शरीर का जो क्रियाकलाप है कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी खाते डिपोजिट हो जाता है, डिकम्पोजर बाहर नहीं निकलता समय से, और जो अंदर रह गया वेस्ट बन गया, और वह समय से अधिक टिकेगा तो कहीं कहीं रुकेगा, रुक के डिपोजिट करेगा, वो आपके तन में मन में बिखार देगा। तो डाइट मोटा मोटी समझ गया, थोड़ा तो पानी का समझ रहता हूँ। जिनको हैप्पीनेस है यहाँ, जब मोटा है था वैसे कमर, गुनगुना गुनगुना पानी पिए कई बार, और बैठ के पिए। दूसरी बात क्या है कि खाने के टाइम एक घंटे बाद ही पानी शुरू करें, खाने के एक घंटे तक पानी कम से कम ना पिए। नींबू पानी ले सकते हैं या हल्दी के रस के साथ पानी मिला के ले सकते हैं, या फिर दो चार कलियां लहसुन के हल्का चबा ले या पीस के उसको घटक के पानी, पान के डंठल का रस बहुत फायदा करता है, ले सकते हैं। और रात को जल्दी भोजन करना और उसके एक घंटे बाद पानी पी के सो जाना, यानी दो तीन घंटे पहले, सोने से दो तीन घंटे पहले ही भोजन कर ले। अच्छा, ये दो भोजन की चर्चा को मैं, यदि जरूरत पड़े तो कुछ आयुर्वेद का भी सेवन करें। आयुर्वेद में जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, तुलसी, गेहूं के चबा ले सकता रस ले सकते हैं, कुछ कॉमन पत्ते ले सकते हैं जैसे जामुन के पत्ते, नीम के पत्ते, बेल के पत्ते, करी पत्ते या पालक के पत्ते, सबको घोट के 100 ग्राम पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो नसनालियाँ रुकी पड़ी होती है पत्तों में, जो पत्ते होते हैं वह उसको खोल देते हैं, इंडोथेलियल लेयर साफ कर देते हैं, और कोलेस्ट्रॉल नहीं चिपकता और जमता भी नहीं, पत्ते बड़े काम के होते हैं। तो आयुर्वेद का सेवन कर सकते हैं, इसके अलावा बेलगिरी का जूस पी सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, मौसमी अनार के जूस ले सकते हैं, ये सब एक तरह से आयुर्वेद है, आयु का बेल जो उम्र बढ़ाने वाले हैं। अगर आप उसमें जाए फैट रिड्यूसर, कई आयुर्वेदिक चीजें हैं, त्रिफला का रस है, या फिर आप देखें कार्सिनिया है, ग्रीन कॉफी है, कई चीजें उपलब्ध है, मेदहर की कई चीजें जिसे आयुर्वेद है, जो बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि वगैरह में जाएंगे तो फैट रिड्यूसर बहुत कुछ है, वो आप सेवन कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ तीसरा पहलू उसका, जिनको जापा हो गया वह नेचुरोपैथी माध्यम से उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मेरा सेंटर है नेचुरोपैथी सेंटर, बहुत सारे लोग होते हैं आते हैं, एक ही महीने में 8 से 10 किलो तक वेट कम हो जाता है, उनके थायराइड में से बड़े ढील हो जाते हैं, क्योंकि मसाज होता है इस एरिया में, काफ़ी मसाज करके उसको मेल्ट कर दिया जाता है, पेट में जो हैवीनेस होता है पेट सफाई करवा दी जाती है, स्टीम भाप किए जाते हैं, मिट्टी का लेप लगाया जाता है, हॉट फूड करके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है। यदि कोई नेचुरोपैथी कर सके तो ये तीसरा तत्व बहुत अद्भुत है, इसके चमत्कारिक रिजल्ट है। और चौथा चीज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वह है जो एक्सरसाइजेज, जिसको आप कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी या वर्कआउट कहते हैं आजकल नए नाम से, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा 4-5 चीजें, जिससे आप अपने लेवल पे करके स्वस्थ रह सकें। देखिए, देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए या समाज सेवा, परिवार सेवा के लिए जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पे ही जाएं, खाकी पहने, खादी पहने, कोई विशेष वस्त्र, कोई विशेष जॉब करें, नहीं, आप जहां हैं वहां से ही, वहीं से देशभक्ति, परिवार भक्ति, समाज भक्ति कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में गरीब मजदूर से लेके एक अमीर बिजनेस टाइकून तक सब देशभक्ति कर सकते हैं, जो जहां है। अगर वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर लेता है, स्वास्थ्य की रक्षा कर लेता है तो देशभक्ति है, वो सरकारी दवाओं पर डिपेंड नहीं, सरकारी अस्पतालों पर डिपेंड नहीं है, सरकारी एड पर डिपेंड नहीं है। और यदि तन हमारा स्वस्थ है तो सबसे बड़ी सेवा तो देश की यही है कि मैं स्वस्थ हूँ, भारत माता के लिए एक एसेट हूँ, एक धन हूँ, निधि हूँ। बीमार व्यक्ति तो अपने लिए भी भार है, देश के लिए भार है, वह हर महीने सरकार का और देश का कई हजार लाख रुपए खपाते हैं या हर साल खपाते हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है, लेते लेते खांसी, परिवार भी दुखी, खुद भी दुखी। स्वस्थ रहना भी एक देश सेवा करना है। आप अपना काम ईमानदारी जो भी कर रहे हैं, समय से उठते हो भी देश सेवा कर रहे हैं, एक पौधा लगाते हो भी देश सेवा है, सब कुछ देश सेवा है, यदि समय पर भोजन कर लेते तो भी देश सेवा है। तो देखिए इसमें कितनी चीजें हैं,
स्वस्थ रहने की। और सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप खुश रह सकेंगे, मुस्कुरा सकेंगे, एक्स्ट्रा काम कर सकेंगे, एक्स्ट्रा धन भी कमा सकेंगे, लोगों को कुछ मदद भी कर सकेंगे। बीमार व्यक्ति तो खुद के लिए भारत दूसरों को क्या दे सकेंगे। भारत आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, और आज हालत यह है कि अंग्रेजी दवाओं का गुलाम बन गई है। दवाओं के दुष्चक्र में अस्पताल, डॉक्टर, ड्रग्स, डिजीज इसके चक्र फंस के खोता जा रहा, अपने आप को बर्बाद होता जा रहा है। भारत की भूमि तो ऐसी है 1600 प्रकार के अन्य वनस्पतियां पैदा करती है, यहाँ बीमारी कोई मतलब नहीं। इसलिए भारत ने कभी कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वव्यापिनः, यहाँ सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब भद्रभाव देखे संसार में सुख शांति। इसलिए कि भारत ऐसा था, सुखी व्यक्ति तो दूसरों को सुख की कामना करता है। तो मैं अब जो वर्कआउट आपको सिखा रहा हूं, ये मेरे 20-25 वर्षों के मेहनत का निचोड़ होता है। गहराई से देखिएगा, समझिएगा, और मेरे बातों विश्वास नहीं करना, करके देखना, फिर आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या यही बकवास कर रहा हूं। क्योंकि सत्य तो अनुसंधान करने की चीज है, सुनने की चीज नहीं है। कान में तो झूठी बातें भी पिलाई जा सकती है और उसको सिखाई जा सकती है। किसी को 2x5 सिखा दो, जिंदगी भर 2x5 ही उसके लिए सच होंगे। तो इसी प्रकार मेरे ऊपर विश्वास न करो, करके देखो, और तब लगे कि चीजें करने लायक है, समझने लायक है, तो प्रयोग करो, और अनुभव सिद्ध हो जाए तो दूसरों को बताया करो। तो मैं अब आपको वर्कआउट सिखाने जा रहा हूं। आप इसमें से मैं जितना सिखाऊंगा यदि 50% भी कर लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो पहला वर्कआउट क्या देखो, सबसे सिंपल है ये, अगर इतना ना हो सके तो इतना ही सही, कुछ तो होगा। इसको चलाओगे, यहां पे जोर पड़ेगा, फैट में लगोगे, कमर पे भी जोर पड़ेगा। इसका ध्यान क्या रखना है, सांस भरने नीचे जाना और एरिया उठ जानी चाहिए, वापस आके सांस छोड़ दो। ये आप कितनी बार करोगे, 20-30 बार करोगे, इतना तो आप आराम से कर सकोगे। अब दूसरी, आपको दूसरी एक्टिविटी बताता हूं, बहुत ही अद्भुत है। एक पैर इधर निकालो, ठीक है, और 5-6 बार लगातार यहां से, अब पैर नहीं बदलेगा, सिर्फ हाथ ऊपर नीचे, ये अगर इसको बढ़ा सकते हैं 10 बार कर सकते हैं तो और अच्छा, ये आपकी क्षमता में डिपेंड करता है। मैं तो 25 बार ही कर लूंगा, आप देख लें कितनी बार करेंगे। इसी प्रकार ये पैर रखिए, ये यहां से पैर फिक्स हो गया, अभी इसको चलो, ये अद्भुत काम करते हैं, कमर और थाइमस के फैट को रिड्यूस करते हैं। दो चीजें आपने सीख ली, अब तीसरी चीज आपने सिखा, यहां से जैसे वो रोप जंप करती है, ये पंजे थे वो आप ऐसे, ये तीन चीजें आपने सीखी, कितनी बार करनी है जितना आप कर सके। अब देखो चौथी चीज है, हाथ ऐसे और इसको टच करें, एक दो। यह भी हम 20-20 बार, 15-15 बार, 30-30 बार कर सकते हैं। अब आगे भी आपको सिखाता हूं, कमर पे हाथ रखनी और आगे पीछे देखो, ये जंप, एक दो, ये कर सकते, बहुत अच्छा है, अद्भुत है, अद्भुत। इससे आपके फैट कम होते हैं। अब आगे देखो, दोनों पैर खोलना है, ये कठिन है, थोड़ा होगा तो कर लेना, नहीं तो कहीं घुटने मत तोड़ना। हाथ यहां पे रख लो या यहां आगे रख लो, ऐसे इस पे, और जिनसे नहीं हो सकता यहां है, यहीं से पुश करें उठे, ये ऐसे, ये इसको खींचने दो, ये यहां से उठे ऐसे, या फिर हाथ आगे रख ले तो ज्यादा जो मोटे होते हैं वो रख नहीं पाते। ये 5-5, 10-10 बार आप कर सकते हो, इससे थाइम सर को बहुत लाभ मिलता है, मजबूत भी हो जाता है। आप देखिए,
एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है थायराइड सर्किल, देखो एक एक दो तीन, ये फिर से देखें दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए पहले, ये इतना नहीं आएगा, जिनके मोटे होते हैं वो कम आएगा, आप कम कर लेना, यही तक आता है यही तक कर लेंगे, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये आप समझ गए होंगे, ये पांच छह एक्सरसाइज बहुत है, एक से बढ़कर एक है, अब आगे भी आपको सिखाता हूं। दोनों पैर खोलें और यहां से इसको खींचे, इससे ये खींचेगा अपने आप ये, और फिर यहां ले जाए, फिर हाथ यहां इसको खींचे ऐसे, ये गजब का यहां पे स्ट्रेच आता है। अब उसे इसी प्रकार ये साथ में आ ले जाए, ये खींचा फिर यहां ले आए, इसको खींचा, अब देखो बैठ के भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये आप 25-30 बार भी कर सकते हो, जितनी बार मर्जी कर सकते हो। पैर यहां रख के देखिए इसको जमीन पर टच करें, मेरा वैसे टच होगा, जो मोटे मोटे हैं वो कोशिश करो, इससे भी आपका रिड्यूस होगा दोनों तरफ। ये इसके अलावा बटरफ्लाई सब जानते हैं मोटा मोटी, ये और भी तमाम एक्सरसाइज दोनों पैर खोल के आप चाहे तो धीरे धीरे आगे झुके, इससे भी यहाँ बहुत फायदा है। ये अंगूठा पकड़ लें और घून अमन आसन आसन लाते हैं, ये जितना हो सकता उतना करो, ये पकड़ के इसको ऐसे खींचे, ये भी कम करता है, कितनी बार करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कितनी आपने क्षमता है, ये थोड़ा एसेसमेंट करने का भी एक एसेसमेंट करने का माध्यम है। तो मैं चाहता हूं कि इतना ही आपको बताऊं, क्यों अभी ये सीरीज चल रही है, बहुत कुछ बताना है, और इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपके कमर थाई मसल के फैट क्योर होंगे और आप दो चार महीने में देखेंगे कि चमत्कारी रिजल्ट आया है। बट ध्यान रखना सफलता की सूत्र है कंटिन्यू, लगातार जीतेगा वही जो लगातार करेगा, आज कर लिया चार दिन छोड़ दिया कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि और परेशान हो जाएंगे। कंटिन्यू करो और उसको सहज पके से मिठाओ, उसको आराम आराम से होने दो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद, ओम वंदे मातरम।